दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चों आज की वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट। NMS ऑन डिमांड एडमिशन अभी भी ओपन है बच्चे, एंड बच्चे 31st इज अ लास्ट डेट, 31 जुलाई इज अ लास्ट डेट। बच्चे अगर आप तक अपने अपने एडमिशन नहीं लिया है तो ले सकते हो। बच्चे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको खुद से एडमिशन लेना है बच्चे, अगर आपको खुद से एडमिशन लेना है अब आप खुद से एडमिशन ले सकोगे। मैं बच्चे स्टेप बाय स्टेप, बच्चे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको ऑन डिमांड एडमिशन लेना है, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो। सबसे पहले बच्चे बात कर लूँगा कि आपके पास देखो एडमिशन लेने से पहले आप डॉक्यूमेंट क्या क्या आप अपने पास रख लो। तो बच्चे डॉक्यूमेंट रख लो अपने पास, डॉक्यूमेंट बच्चे अगर 10th क्लास में ले रहे हो एडमिशन, ठीक है, अगर 10th में ले रहे हो बच्चे तो 8th का सर्टिफिकेट रख लो, 8th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। बच्चे फोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है बच्चे। इसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर ठीक है बच्चे, सिग्नेचर का फोटो बच्चे, मम्मा का नाम आपके, मदर्स नेम, मदर्स नेम, और क्या चाहिए बच्चे। अगर ये आपके पास नहीं है तो बच्चे चाहिए रहेगा सेल्फ सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेट ठीक है बच्चे। एंड बच्चे ये आपके ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आपका एडमिशन हो पाएगा। बच्चे बात करता हूँ 12th के लिए, 12th के लिए बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहेगा। तो बच्चे 10th पास तो होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए बच्चा। अगर 12वीं करना चाहता है तो कम से कम उसको 10वीं पास रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके पास फोटो होनी चाहिए उसकी खुद की, आधार कार्ड बच्चे यहाँ पे आधार कार्ड भी ऐड कर लेना, ठीक है आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, ठीक। तो यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, ठीक है आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर ठीक है। एंड बच्चे 10th का मार्कशीट जो है मार्कशीट चाहिए, ठीक है मार्कशीट चाहिए, बस बच्चे यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। एंड अगर ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखो उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, एडमिशन आप खुद से ले पाओगे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले लेट नहीं करेंगे हम, आ जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आपके मोबाइल स्क्रीन तो मोबाइल पर आ जाओ, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाओ। सबसे पहले ये गूगल का क्रोम का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, NMS सर्च कर लेंगे, NMS सर्च कर लेंगे, ठीक है बच्चे। NMS एडमिशन में जाएंगे, NMS एडमिशन पर जाएंगे बच्चे, कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आता है। अगर ये कुछ ऐसा खुल के आया है तो सही लिंक पे आपने क्लिक किया है। इसके बाद एडमिशन पर जाएंगे, ठीक है बेटा। एंड फिर उसके बाद देखो अकेडमिक प्रोस्पेक्टस प्रोसेस फ्लो, यहाँ पे लिखा होगा कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चूँकि मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें अकेडमिक में बच्चे अकेडमिक अप्रैल 2025 और अक्टूबर 2024 दोनों के लिए एडमिशन ओपन है बच्चे। लेकिन ये वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर होने वाली है, लेकिन बच्चे अगर आपको अकेडमिक 2025 या फिर अप्रैल 2025 और अक्टूबर 2024 के एडमिशन लेना है तो बच्चे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चे, वहाँ से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी बात करते हैं ऑन डिमांड के बारे में, तो ऑन डिमांड पर क्लिक करूंगा मैं। एंड देखो क्या लिखा हुआ है, जुलाई 2024 सितंबर से सितंबर 2024 बच्चे, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसके ऊपर हमारा हमारे डॉक्यूमेंट या फिर हमें जो जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे मैं अपना एडमिशन करता हूँ तो बच्चे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी में बच्चे अपना आधार कार्ड ले लेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार इनरोलमेंट नंबर ले लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी हम जनरली हमारे पास आधार कार्ड तो होता है हर बच्चे के पास, ठीक है। फिर उसके बाद आधार नंबर डाल देंगे बच्चे, ठीक है आधार नंबर डाल देंगे, तो जनरली हर बच्चे के पास आधार नंबर होता है, 12 नंबर का आधार नंबर होता है बच्चे, ठीक है। तो 12 नंबर का आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको 12वीं में एडमिशन लेना है तो लिखोगे बेटा, देखो अगर क्या आप पहले से NMS के एग्जिस्टिंग लर्नर हैं, मतलब क्या आपने अप्रैल में फेल हो के आए हो, क्या आपका मार्क्स कम है, क्या पहले आपने NMS में एडमिशन लिया है, तो बच्चे लिखोगे यस, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो लिखोगे नो, ठीक है। तो बच्चे जनरली बच्चे NMS के में अप्रैल वाले बच्चे होते हैं तो हम यस कर देते हैं, ठीक है बच्चा। आपका अपना इनरोलमेंट नंबर आप फिलअप कर दोगे, आपका इनरोलमेंट नंबर जो 11 डिजिट का है वो फिलअप कर दोगे। उसके बाद बच्चे क्लिक करोगे कि आपको सेकेंडरी की सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेना है, सेकेंडरी मतलब 10वीं, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं, तो सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे। बाकी बच्चे सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे तो हमारा एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मा का नाम क्या है। अगर बच्चे आपने इनरोलमेंट नंबर डाला है, इनरोलमेंट नंबर डालेगा तो डायरेक्ट आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पे आपका फुल डिटेल वहाँ पे पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होगा।
ठीक है बच्चे, अगर आपने नो लिखा है यहाँ पे तो वहाँ पे एक नया डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, आपका फोटो सिग्नेचर सब अपलोड करने के लिए कहेगा, आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा आपसे। ठीक है बेटा, अगर आप कहें कि आप पहले से NIOS के स्टूडेंट रह चुके हैं, क्योंकि हो सकता है मार्क्स कम आया है, फेल हो गए हैं, तो बच्चे ऐसा कुछ फिलअप दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे एंड वहाँ पे ऑप्शन आएगा टेकिंग ऑन डिमांड एडमिशन, वहाँ पर सीट बुकिंग का ऑप्शन होगा। बच्चे फिर से हम अपने पेज पर जाते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। बच्चे यहाँ पे आएगा सीट बुकिंग का ऑप्शन, सीट बुकिंग का, ठीक है, सीट बुकिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई कोई बच्चा है जो फिजिक्स का एग्जाम दे रहा है, फिजिक्स का, बच्चे मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि मान लो फिजिक्स का आपने एग्जाम दिया, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रैक्टिकल प्लस थियरी एग्जाम होता है ना। तो अब इसकी फीस बताया था मैं आपको, तो बच्चे दोनों का फीस 1000 रुपीज़ होता है, 1000 रुपीज़ फॉर वन सब्जेक्ट, तो ये फीस रहता है। ठीक है बच्चे, तो फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होता है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के लिया है एग्जाम्पल के लिए कि दोनों ही कवर हो जाए। तो बच्चे ये मैक्सिमम फीस है, इससे कम ही होता है, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो और कम, अगर आप गर्ल देख रहे हैं वीडियो तो बच्चे और कम होता है, तो ये ऐसा सीन है। तो अब सीट बुकिंग के लिए आते हैं, तो बच्चे सीट बुकिंग के लिए आते हो ना, तो लाइक आप दिल्ली में रहते हो, कोई दिल्ली का कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर हम बिहार का बच्चा लेते हैं, लाइक कोई बिहार का बच्चा है, ठीक है बच्चे, कोई बिहार का बच्चा है वो एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो जैसे सीट बुकिंग पर क्लिक करेगा फिजिक्स में सब्जेक्ट में जाके, तो बच्चे एक कैलेंडर टाइप उसको खुल जाएगा, कैलेंडर, ठीक है बच्चे, कैलेंडर में बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है, बॉक्स बना हुआ होगा। एंड आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड बच्चे 20, ये बच्चे 30 तक होगा ये नंबर, क्यों, क्योंकि किसी किसी महीने में 30 डेज है, किसी में 31 डेज है, मतलब कैलेंडर बना हुआ होगा। एंड बच्चे जहां पे ग्रीन कलर होगा, मैं आपको समझाता हूँ, जहां बच्चे ग्रीन कलर से जहां पे ये होगा ऐसे भरा हुआ, तो बच्चे मतलब सीट अवेलेबल है, मतलब कि बेटा सीट अवेलेबल है, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर से फिलअप होगा, ठीक है, तो मतलब वहां पे सीट अवेलेबल है। जहां बच्चे रेड कलर से अवेलेबल, लाइक बच्चे किसी से रेड कलर से लिखा हुआ होगा, लाइक यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है ऐसे करके पूरा फिल किया हुआ है, तो बच्चे बच्चे इसका मतलब है कि सीट अवेलेबल नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है। तो जहाँ हमारा ग्रीन होगा उस पर हम क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर इतने सीट अवेलेबल है। एंड बच्चे कहीं कहीं आ रहा है कि ऑल रेड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डेट चेंज कर लेंगे, मंथ चेंज कर लेंगे, तो हमें सीट मिल जाएगी। बच्चे ऑन डिमांड के अंदर मैक्सिमम बच्चों को सीट मिल जाती है, एंड बच्चे बहुत कम चांसेस होता है कि सीट नहीं मिले। ऐसा सीट नहीं मिले ऐसा चांसेस कब आता है, तो बच्चे ऐसा चांसेस तब आता है कि बच्चे जब ने मान लो कि बच्चे ने बहुत लेट कर दिया, लाइक 31 जुलाई, बच्चे 31 जुलाई से लास्ट डेट, एंड आपने बच्चों मान लो 31 जुलाई को यह भरने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चे मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप 31 जुलाई को एडमिशन लेने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, 31 जुलाई को एडमिशन लोगे तो बच्चे प्रॉब्लम क्या आएगा, हो सकता है कि सर्वर में दिक्कत आ जाए। बच्चे इट इज़ ए गवर्नमेंट वेबसाइट, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में एक बार में अगर ट्रैफिक आ जाता है तो बच्चे हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए। तो बच्चे 31 लास्ट डे सेम में हमें, मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप एडमिशन लेने जाओ। जो प्रोसेस आपको मैंने बताया बच्चे, या तो आप खुद मुझसे करवा सकते हो, ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है। बच्चे आपको करना क्या है, बच्चे इस नंबर पर आपको कॉल करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। बच्चे ईमेल आईडी भी दिया है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करोगे एंड अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सर मेरा ना इस सब्जेक्ट में फेल हो गया था, मैं SYC SYCP या फिर SYCT लिख के आया था, सर मुझे ऑन डिमांड एग्जाम देना है, तो सर क्या मेरा हो सकता है, तो बच्चे हाँ हो सकता है, हमारे साइड से आपको रिवर्ट आएगा कि हाँ हो सकता है एंड आप डॉक्यूमेंट शेयर करोगे। अगर आप फ्रेश बच्चे हो तो आप डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, अगर बच्चे आप पहले के बच्चे हो जैसे अप्रैल के बच्चे हो तो आप एनरोलमेंट नंबर शेयर करके हम आपका लॉगिन करेंगे एंड सीट बुकिंग करके आपको हॉल टिकट शेयर कर देंगे। बच्चे अगर 10 मिनट के अंदर हॉल टिकट नहीं आता है, इसका मतलब कि एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है। तो बच्चे अगर हॉल टिकट आपको 10 मिनट में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम इज दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। तो बच्चे आप जाके या तो हमसे कांटेक्ट करेंगे, जिसने आपका एडमिशन किया है, लाइक मैंने किया है, तो मैं से आप कांटेक्ट करेंगे और जाके हम आपका प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। अरे बच्चा आपने खुद से एडमिशन लिया है तो टोल फ्री नंबर पर जाके कॉल करोगे, और अगर बच्चे वहाँ पर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप जाके रीजनल सेंटर जाओगे एंड वहाँ जाके प्रॉब्लम बोलोगे कि सर प्रॉब्लम क्या है, मेरा 7 दिन बाद एग्जाम है और मेरा अब तक होल टिकट नहीं आया, तो प्रॉब्लम इज वेर इज द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है कहाँ। तो बच्चे अगर आप ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एंड बच्चे 30 से 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चे अगर आप CUT का रिजल्ट भी आ चुका है तो बच्चे आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है।
तो बच्चे ये पूरी कहानी रहती है, ये पूरा प्रोसेस रहता है फॉर टेकिंग एडमिशन इन ऑन डिमांड एडमिशन इन NIOS। बच्चे पूरा प्रोसेस है, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। बच्चे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।